अनफॉर्चुनेटली लक इतना खराब है कि गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ एंड आज है 11th of April एंड एज यू गाइस ऑलरेडी नो कि मैं मेरे घर में नहीं हूँ, मैं हूँ मेरे मामा के घर। तो आज हम घूमने जा रहे हैं, आने के बाद कहीं पे घूमने नहीं गई थी मैं क्योंकि यहाँ पे कुछ पूजा थी तो इसलिए नहीं गई थी। तो आज फाइनली थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो आज जाने वाले हैं हम घूमने, और कहाँ घूमने जाएंगे वो तो आप लोगों को इस व्लॉग में आगे पता ही चल जाएगा। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। एंड हाँ, अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं हूँ गार्डन में, ये मेरे बैक साइड में बिल्कुल गार्डन ही गार्डन है, ये है बनाना ट्रीज एंड ऑल यू कैन सी। एंड मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी ड्रेस है ना ये मम्मी ने वॉश करके दिया है। एंड आज मुझे जो आउटफिट पहननी है कुर्ती पहननी है एंड उसके साथ मैंने सिर्फ एक ही लेगिंग्स लाई हूँ मैं यहाँ पे, एंड वही लेगिंग्स मम्मी ने वॉश कर दी है वो ब्लैक वाली, तो मुझे वही पहननी है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि ये कब सूख जाए एंड कब मैं इसे पहनूँ क्योंकि उस कुर्ती के साथ और कुछ मैं नहीं पहन सकती हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:40, मोस्ट प्रोबेबली हम 11:30 तक निकल जाएंगे आई थिंक सो। सो या अभी मैं ये सूखते सूखते मैं अभी रेडी होंगी, सो लेट्स गो। तो ये देखो, ये मेरी एक दीदी की बेबी है और ये अभी रो रही है कि उसे लिपस्टिक लगानी है, चीज़ है लिपस्टिक लवर, उसे लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद अभी वो लगा रही है, कितने प्यार से लगा रही है ना। सो अभी मैं सबसे पहले करूँगी वैक्सिंग। सो वैक्सिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वीट की 5-in-1 स्किन बेनिफिट्स हेयर रिमूवल क्रीम, तो इससे मैं अपनी वैक्सिंग करती हूँ। तो फर्स्ट वैक्सिंग करूँगी एंड इसके बाद मैं नहा के आऊँगी। सो दिस इज़ द कुर्ता एंड ये है लेगिंग्स एंड दिस इज़ द आउटफिट ऑफ माई डे, ये मैं आज पहनने वाली हूँ। एंड थैंक गॉड ये लेगिंग्स अभी सूख गई है सो मैं अभी इसे पहन सकती हूँ। गाइस मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, अभी लिपस्टिक बाकी है एंड हेयर स्टाइल बाकी है जो मैं लंच करने के बाद करूँगी। सो अभी लंच करना है एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 11:30 को जाने वाली हूँ, बट इतनी ज़्यादा धूप है ना आज कि हमने प्लान कैंसिल कर लिया। अभी हम जाने वाले हैं दोपहर को, 2:30 में हम जाने वाले हैं। तो अभी मैं लंच करूँगी, अभी लंच टाइम है एंड लंच करने के बाद मैं लिपस्टिक एंड हेयर स्टाइल करके आप लोगों के साथ मिलती हूँ। ओके, एंड इस जो कंप्लीट लुक है ना उसका मैं गेट रेडी विद मी भी शूट कर रही हूँ, जो आप जल्द ही देखोगे मेरे चैनल पे, शायद इस वीडियो के आगे, आई डोंट नो कब कौन सा वीडियो मैं सबसे पहले पोस्ट करूँ, बट लेट्स सी। एंड एनीवेज आई एम लविंग दिस ज्वेलरी, ये मीशो की है एंड इस कुर्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है क्योंकि ये कुर्ती बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड ये जो नेकलेस इसके साथ बिल्कुल मैचिंग है। सो या मैं जल्दी से अभी लंच कर लेती हूँ। ओके गाइस, मैं निकल गई हूँ, यू कैन सी बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, तो अभी हमें गाड़ी के लिए वेट करना होगा यहाँ पे थोड़ा 5 to 10 minutes एंड इसके बाद हम जाएंगे। सो या दिस इज़ माय आउटफिट जो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। सो या नाउ लेट्स गो। सो ये क्योंकि टी गार्डन के एरिया है तो यहाँ पे थोड़े दूर में ही इस तरीके से बनी हुई है जो आप वीडियो में देख रही हो, मुझे इसका नाम नहीं पता है, आई डोंट नो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, बट हाँ। गाइस अभी हम जस्ट पहुँचे हैं यहाँ पे, मेरे बैक साइड में आप लोग देख सकते हो कि म्यूज़ियम है, बट अनफॉर्चुनेटली लक इतना ख़राब है कि ये म्यूज़ियम भी बंद है आज ड्यू टू कोविड। इन लोगों को एटलीस्ट अपने गूगल मैप्स की पेज में उन लोगों का अपडेट रहना चाहिए क्योंकि मैंने गूगल मैप्स देख के ही मैं यहाँ पर आई हूँ एंड वहाँ पर था ओपन, बट अब आके देख रही हूँ कि ये क्लोज़ है। एंड इसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि हम पार्क में जाएंगे, लेकिन जिस ऑटो रिक्शा में हम आए हैं ना ड्राइवर ने भी बोला कि आज पार्क भी बंद है बिकॉज टुडे इज़ मंडे, बट सेम उनकी गूगल मैप्स के पेज में मंडे ओपन दिखा रही है, बट व्हाट टू से फिर सब बंद है तो प्लान एकदम फ्लॉप हो गया। दो जगह हम सोच के आए थे कि एक फर्स्ट हम जाएंगे म्यूज़ियम एंड देन पार्क, बट दोनों ही बंद है
लेकिन उन लोगों के पेज में दोनों ही ओपन ही शो हो रही है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मेरे मामा का घर भी दूर है, इतना जर्नी करके हम आए हैं एंड बंद है बाहर। जब यहाँ का जो मेन सिक्योरिटी है ना वो बाहर है, तो उन लोगों ने वो पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो, तो मैंने बोला कि ऐसे हम थोड़ा सा दूर से आए हैं, तो उन लोगों ने बोला कि बाहर से ही थोड़ा म्यूज़ियम देख लो, म्यूज़ियम के अंदर नहीं जा सकते हो, तो उनके बाउंड्री में ही हम अभी गए थे, बट यहाँ पे अंदर और एक सिक्योरिटी है, उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं SDO से परमिशन नहीं है, आप लोग नहीं जा सकते हो, जबकि बाहर उन लोगों ने बोला था कि आप जाके देख सकते हो, बट अंदर फिर से नहीं, मना कर दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो अभी कहाँ जाना है, क्या करना है, लेट्स सी। सो यहाँ पे बाहर में ये सिर्फ बोर्ड ही है, यहाँ पे डिगवा की सीनरी है, तो हाँ देख ही देख के चले जाते हैं, और तो कुछ देखने लायक है नहीं अभी, यानी देखने लायक तो है, हम देख नहीं सकते हैं। एंड हाँ यहाँ पे सामने ये वाटरफॉल भी है रोड के बीच में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, तो मैंने सोचा कि हाँ ये कैप्चर कर ही लेते हैं। सो अभी हम पार्क में जा रहे हैं, क्योंकि एक बार खुद अपनी आँखों से देखने से विश्वास होता है ना, तो एक बार देख के आते हैं कि सच में बंद है या फिर ओपन है। अभी हम आए हैं पार्क, एंड पार्क भी आप लोग पीछे देख सकते हो बंद है, यहाँ पे लिखा है कि मंडे क्लोज, एटलीस्ट यहाँ पे तो बाहर लिखा है ना मंडे क्लोज, लेकिन उनके गूगल मैप्स में पेज में भी ओपन ही लिखा था, बट हाँ यहाँ पे आके देख रहे हैं कि बंद है। तो यहाँ पे अभी आसपास थोड़ा सा हम घूमेंगे, लेट्स सी कहाँ जाना है। ये देखो यहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो हाँ आज मंडे क्लोज है, तो हमारा लक ही एकदम ख़राब है, नहीं जा सकते हैं अंदर। एंड यहाँ पे देख सकते हो अंदर कोई नहीं है क्योंकि बंद है ऑफ कोर्स। सो हाँ अभी यहाँ पे ही बहुत लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे और एक दी भी आई है, तो अभी मैंने बोला कि आप लोग एक बार अपनी गूगल मैप्स के पेज डेफिनेटली अपडेट करना। सो इन लोगों ने अभी ये नंबर दिया है जिस नंबर में कॉन्टेक्ट करने को बोला है, तो बाद में अगर हम कभी भी आएंगे तो इस नंबर में कांटेक्ट करके ही हम लोग आने वाले हैं, नहीं तो बंद होगा फिर आके कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी एक शॉप में जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। फ्रूटी ऐसा नहीं के दो तो तीनटा चेटा चेटा हाँ। इस शॉप में मिठाई भी है बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी, तो हम ये वाली मिठाई ले रहे हैं। यहाँ पे सामने स्टेशन है, तो स्टेशन में बैठ के थोड़ा सा खाएंगे। तो करने लायक है नहीं, तो ये मिठाई हमने ली है अभी शॉप से, तो वही खा रहे हैं। ऐसा हम लोग लंच करके ही आए थे, मुझे तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताओ। इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी, फाइनली फ्रूटी खाने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिली है। अभी फिलहाल हम है डिगबो स्टेशन में, देखो स्टेशन पर। एंड ये है डिगबो स्टेशन की डेकोरेशन, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बहुत सारी पेंटिंग्स है यहाँ पे वॉल में, तो यहाँ पे फोटोज एंड और क्लिक करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा एरिया है। तो अभी हम स्टेशन से वापस जा रहे हैं, अभी मामा के घर के वहाँ पे ही जाएंगे अभी, क्योंकि अभी कुछ फ़िलहाल यहाँ पे देखने लायक है नहीं। वहाँ पे दूर पे एक शिलोंग रोड नाम के एक जगह है, बट वहाँ भी बहुत दूर हो जाएगी हम लोगों के लिए, एंड इतने दूर पैदल तो नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ का प्लान भी कैंसिल। तो अभी यहाँ बैक टू होम, या फिर वहाँ पे भी किसी का घर में जाने का हम सोच रहे हैं, बट लेट्स सी।
अभी बगापनी पहुंच गए हैं हम एंड जस्ट गाड़ी से अभी उतरे हैं एंड यहाँ पे आप मम्मी देख सकते हो, मम्मी दुकान में जा रही है थोड़ा सा चिप्स खरीदने के लिए। चिप्स लाने गई है क्योंकि मम्मी अभी हम कुछ अपने रिलेटिव है यहाँ पे उनके घर ही जाएंगे क्योंकि इतनी जल्दी घर जाके तो कोई फ़ायदा नहीं है, आए हैं तो घूम के ही जाते हैं तो इसलिए रिलेटिव के घर यहाँ पे सामने ही है तो वहाँ पे जाएंगे तो इसलिए उन लोगों के घर में बहुत सारे बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए चिप्स लाने गई है मम्मी अभी। सो मैं यहाँ पे रोड के इस साइड में वेट कर रही हूँ। वैसे तो मैं अभी कैमरा में बहुत ज़्यादा हंस रही हूँ बिकॉज इन रियल मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा प्लानिंग की थी ना बट सारा प्लानिंग पानी में, तो बिल्कुल भी मूड ठीक नहीं है बट मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो या मम्मी आ गई है चिप्स लेके, बहुत सारी लाई है हमारे बाबा, तो चिप्स नहीं है सो बिस्कुट चिप्स। सो रिलेटिव्स के घर जाने से पहले हम आए हैं हमारे मामा का घर, यानी ये है ओरिजिनल घर मेरे मामा का। यहाँ पे उन लोगों के घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है तो यहाँ यही देखने आए हैं अभी हम। ना हमारा कलर है ना कलर बड़ो ही लग रहा है ना, ठीक है ऐसे तो ठीक है। पेंट करने बड़ो लगो देखिए। तो ये है मेरे मामा का घर जो रियल घर है। एक्चुअली यहाँ पे पहले से ही घर भी था बट मेरे मम्मी की शादी से पहले ना मम्मी यहाँ पे ही रहती थी बट ये घर नहीं था, पुराना एक घर था। बट उसके बाद मामा की जो नौकरी है वो टी गार्डन में लग गई। टी गार्डन के टीचर हैं मेरे मामा। तो टी गार्डन में जब आप जॉब करते हो तो आपको टी गार्डन में ही रहना होता है, वहाँ पे ही क्वार्टर प्रोवाइड की जाती है, यानी हाउस प्रोवाइड की जाती है। सो अभी हम आए हैं रिलेटिव्स के घर। ये एक्चुअली मेरी मम्मी की अंकल का घर है तो वहीं पे आए हैं हम। की खाओ चिप्स। सो फाइनली गोइंग बैक होम एंड अभी रास्ते में आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा है तो मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के ही हम जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। सो गाइस फाइनली मैं घर आ गई हूँ तो इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करने वाली हूँ। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मैं मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।